वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी मॉम्स किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी के एकदम सॉफ्ट लड्डुओं की रेसिपी। इन लड्डुओं में ना ही हमने चाशनी का इस्तेमाल किया ना ही मावा का। कम मेहनत में कम समय में सिर्फ दो चीजों से ये परफेक्ट सॉफ्ट लड्डू बनकर रेडी हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो गैस पर हमने कढ़ाई रखा हुआ है, गैस को ऑन कर देंगे, फ्लेम को मीडियम रखना है। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच शुद्ध देसी घी। घी को मेल्ट हो जाने देंगे। घी जैसे ही मेल्ट होगा तो सबसे पहले हम रोस्ट करेंगे ड्राई फ्रूट्स, कटे हुए काजू, पिस्ता और बादाम। रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है लड्डुओं में से। आपको घी में कुछ दाने दिख रहे होंगे, ये रवा के दाने हैं यानी सूजी के। इन्हें रोस्ट करने के बाद ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल डाल देंगे। कोकोनट को बाद में ही डालें क्योंकि ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, जिससे इसका कलर बहुत डार्क ना हो। घी में फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स लड्डुओं का टेस्ट 2 गुना कर देंगे। ये फ्राई हो गए हैं तो इन्हें हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। दोबारा सीसी कढ़ाई में 3 चम्मच घी डाल देंगे। घी जैसे ही मेल्ट होगा तो हम डाल देंगे इसमें 200 ग्राम सूजी यानी रवा। सूजी को भी हम रोस्ट कर लेंगे। सूजी को मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है, गैस के फ्लेम को बढ़ाना नहीं है। इसे रोस्ट करने में 10 मिनट का समय लग जाता है, जल्दबाजी ना करें तभी लड्डू टेस्टी बनेंगे। अगर गैस के फ्लेम को बढ़ाएंगे तो ये सूजी बहुत जल्दी जलने लग जाती है। इसे भुनने के लिए आप हैवी तले वाले बर्तन का ही इस्तेमाल करें। मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। और सूजी को रोस्ट करते हुए हमें पूरे 10 मिनट हो गए हैं। इसका कलर डार्क हो गया है यानी पिंक हो गया है, इसमें से अच्छी खुशबू भी आ रही है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे दूध की मलाई। दूध के ऊपर जो मलाई पड़ जाती है ना, ये वही मलाई है। इसे डालने से रवा के दाने सॉफ्ट हो जाएंगे और ये मलाई बिल्कुल मावा का टेस्ट देगी लड्डुओं में से, और हमें चाशनी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मलाई डालने के बाद गैस के फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे, इससे पूरे दाने सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर गैस के फ्लेम को हमने लो कर दिया है, इस चीज का आपको खास ध्यान देना है। 5 मिनट बाद डाल देंगे इसमें पीसी हुई चीनी। 150 ग्राम चीनी को हमने मिक्सी में पीस लिया है। क्योंकि हम चाशनी नहीं बना रहे हैं इसलिए पीसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करें। हल्के हाथों से चीनी को भी मिक्स कर देंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि बैटर गर्म है तो चीनी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, देख सकते हैं आप। जब जो चीजें ऐड करनी है मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखें तभी परफेक्ट लड्डू बना पाएंगे। 1 चम्मच डाल देंगे पीसी हुई इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर की खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है, अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर डालें, इससे खुशबू और टेस्ट दोनों बढ़ जाता है। और सबसे लास्ट में डालना है रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स, इन्हें भी बैटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस बैटर से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट बैटर बनकर रेडी हुआ है। इस बैटर के लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और बिना चाशनी बनाए ही सूजी पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई है। इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक कर रख देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। इस तरह से सूजी और अच्छे से सेट हो जाएगी। 10 मिनट बाद मैं इसका लिड हटा रही हूँ और थोड़े थोड़े बैटर हाथों में लेंगे, जितने बड़े छोटे लड्डू आपको बनाना हो और इस तरह से लड्डू बनाते जाएंगे, बहुत आसानी से लड्डू बनकर रेडी हो जाते हैं। अभी बैटर हल्का गर्म है तभी लड्डुओं को बना लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ड्राई भी हो सकता है। और इसी तरह से सारे लड्डुओं को बना बना करके हम प्लेट में रखते जाएंगे। सारे टिप्स फॉलो करेंगे तो आप भी परफेक्ट लड्डू बना पाएंगे बिना मावा बिना चाशनी के। स्वादिष्ट और दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं ये लड्डू। कम इंग्रेडिएंट्स कम समय में सुपर सॉफ्ट डिलीशियस लड्डू बनकर रेडी हो जाते हैं, कभी भी आप इन्हें बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो सारे लड्डू बनकर रेडी हैं, मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट लड्डू बनकर रेडी हुए हैं। और इन्हें देखकर और खाकर कोई नहीं कह सकता कि बिना मावा बिना चाशनी के लड्डू हमने बनाया है। मेरे तरीके से बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।